हेलो, वर्ल्ड्स नंबर वन टॉप सीक्रेट अंडरवियर एजेंट, एजेंट एम स्पीकिंग। एजेंट एम, आपके लिए हमारे पास एक मिशन है। क्या मिशन है? आपको प्रेसिडेंट का मर्डर करना है। सर, प्रेसिडेंट का मर्डर? अरे मैंने सर आज तक सिर्फ छोटी मोटी चिंदी चोरियां करी है, चड्डियां चुराने वाली। ये प्रेसिडेंट का मर्डर वर्डर मैं कैसे कर सकता हूँ? सोच लीजिए। अच्छा, पैसा कितना मिलेगा? 150 रुपया देगा। 150 रुपया? अरे 150 रुपया के लिए तो प्रेसिडेंट छोड़ो, प्रेसिडेंट की बीवी का भी मर्डर करूंगा मैं करूंगा ना। गाइस, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, लेकिन GTA में हम बार बार मरते हैं और फिर से जिंदा हो जाते हैं। बट anyways, आज एजेंट एम, एजेंट माइकल की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं प्रेसिडेंट की असासिनेशन। जी हाँ गाइस, आज हम प्रेसिडेंट का मर्डर करने वाले हैं, जैसा आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा। एंड ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है गाइस, ये एक बहुत बड़ा मिशन होने वाला है। ये एक बहुत मुश्किल कोर्स है, ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड बहुत कम लोग कर पाते हैं ये कोर्स। अरे गाना बंद करो भाई, जितनी देर में मैंने गाना बंद करने का सोचा उतनी देर में मेरे को लगता है क्लेम भी आ गया होगा। एनीवेज, अभी हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है वो 4 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचने वाला है, और इस वक्त हो रहा है 12:30, यानी कि 3 घंटे है हमारे पास। ओके, तो 3.5 घंटे में हमें दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमें हमारे पास जो है, आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, आप नहीं देख सकते हैं भाई सॉरी तेरी गाड़ी उड़ा दी मैंने। हमारे पास एक भी औजार नहीं है, वेपन नहीं है, तो सबसे पहले हम जाएंगे एम्यूनिशन और अपने लिए खरीदेंगे एम्यूनिशन, और फिर उसके बाद दूसरा जो होने वाला है वो है ऑब्वियसली हमें एयरपोर्ट पे पहुंचना है ताकि हम प्रेसिडेंट को मार सके। तो इसलिए हम जल्दी से एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, और फिर हमें एक स्ट्रैटेजी भी बनानी है, क्योंकि हमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी तो हम प्रेसिडेंट को आराम से मार पाएंगे, और अगर हम बिना स्ट्रैटेजी के जाएंगे तो ना हो पाएगा। कि देखो, दो तरीके हो सकते हैं प्रेसिडेंट को मारने के लिए। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम जो है एकदम ऐसा रैम्बो बन के घुस जाए, एंड जितने वहां पे 10-15 हज़ार उसकी सिक्योरिटी वाले होंगे प्रेसिडेंट के, सबको मार दे एंड फिर हम भी मर जाएं। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम हिटमैन की तरह जाए, एकदम छुपाते किसी को, अरे पीछे रह गया एमोनिशन, भाई आ गया। हाँ, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम हिटमैन बनके एकदम शांति से छुपते छुपाते पहुंचे एयरपोर्ट पे, एंड फिर उसके बाद हम जो है प्रेसिडेंट को, अरे चुप कर बे, तेरे को दिख नहीं रहा है क्या मैं यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? इतनी जोर जोर से बोल के, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, सारा फ्लो बिगाड़ दिया मेरा बेवकूफ कहीं के ने। ओके भैया, तो हमको तो आप पिस्टल दे दो, ठीक है? नहीं, हमें और मेन तो हमें स्नाइपर चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं दूर से प्रेसिडेंट को मार सकूँ, क्योंकि जैसा मैंने बोला, अगर मैं रैम्बो बन के आगे जाके सबको मारूंगा तो ऑब्वियसली मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे होने वाले हैं 10-15-20-30 हज़ार लोग। तुम सोचो, पुलिस वाले, सीक्रेट सर्विसेज, FBI, नासा तो नहीं होगा, व्हाटएवर, मतलब यू गेट द पॉइंट, बहुत सारे लोग होने वाले हैं। हाँ, ये सब दे दो, हैवी एमो दे दो, और इस पे एडवांस स्कोप लगा रखी है, ठीक है, और गोल्ड टिंट है, ओके। लेकिन यार मेरे को इसका ना सप्रेसर चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आवाज़ ना आए, सप्रेस स्नाइपर नहीं होती भाई कुछ। हाँ भैया स्नाइपर राइफल, अच्छा इस पे सप्रेसर है, ओके, आइटम इक्विप, ठीक है। तो हमारी स्नाइपर पे लग गया सप्रेसर, और ये ले लिया हमने इसकी गोलियाँ और प्लैटिनम टिंट। ओहो, हमारी ओम देख रहे हो तुम कितनी सुंदर है। चलो भाई, ये हो गया है भाई, बाद में पुलिस से लड़ने के लिए हमें नॉर्मल गोलियां भी लगने वाली हैं ऑब्वियसली, तो वो भी ले लेते हैं। कार्बाइन राइफल दे दे, सारे राउंड दे दे, ठीक है, और ये एडवांस राइफल भी दे दे, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। हमारे घर के अंदर समंदर है, हमें अपने बेडरूम से बड़े हॉल तक जाने के लिए शिप चाहिए होता है। पैसा बहुत है, असॉल्ट राइफल भी दे दे, सारी दे दे, और शॉटगन, पंप शॉटगन भी दे दे भाई, सब दे दे भाई, सब दे दे, और ये भी दे दे भाई, तू दे 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 दे, तू कुछ छोड़ियो मत, पैराशूट तो नहीं चाहिए हमें, SMG भी दे दे, और ये वाली SMG भी दे दे, सब दे दे भाई। और कुछ रह गया भैया? तुम्हारी दुकान ख़त्म कर देता हूँ मैं। ये भी पिस्टल भी दे दे, हैं ये भी दे दे, और कुछ है? ये भी दे दे, और कुछ है? टीयर गैस, हाँ ये भी दे दे, टीयर गैस भी ले लेते हैं, नहीं उसके बाद पुलिस वालों को रुला के भाग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और लूँ? अच्छा ठीक है, ओके। विंटेज पिस्टल भी दे दे, और टीयर गैस हो गई, ग्रेनेड भी दे दे, हाँ भाई बम फेंक देंगे उसके बाद हम पुलिस वालों पे। और कुछ रह गया है? अरे वो बड़ी वाली कौन सी होती है, वो RPG है भैया, RPG रखते हैं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, RPG भी दे दो, बहुत सारी दे दो, और ग्रेनेड लॉन्चर भी दे दो, और मिनी गन भी दे दो, यस, उसके बाद भाई पुलिस वालों को ऐसा अंधाधुंध मारने के भी काम आएगा। और अरे आई जस्ट रियलाइज, भाई हाँ मेरे को वो चाहिए, आर्मर चाहिए ऑब्वियसली, आर्मर दे दो,
सुपर लाइट लाइट स्टैंडर्ड नहीं नहीं हैवी आर्मर चाहिए हमें, हैवी आर्मर, सुपर हैवी आर्मर, यस ओके, सुपर हैवी आर्मर भी हो गया। और कितना भाई टाइम कितना हो गया, अबे भाई 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 डेढ़ घंटा बचा, अरे अरे शिट 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 शिट। अगर आप लोगों ने GTA खेले तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग एयरपोर्ट पे क्या कहते हैं एंटर करते हो तो आपके पीछे 3 स्टार की पुलिस पड़ जाती है ऑटोमेटिकली एयरपोर्ट एंटर करते ही। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होने वाली है कि हम एयरपोर्ट पे एंटर कैसे करेंगे, और हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा हुआ है क्योंकि 4 बजे जो है प्रेसिडेंट का प्लेन लैंड हो जाएगा एयरपोर्ट पे, एंड अगर हम उसको उस वक्त मिस कर गए तब नहीं मार पाए तो गेम खत्म, खल्लास, एकदम फ्लॉप शो हो जाएगा क्योंकि एक ही चांस मिलने वाला है हमें प्रेसिडेंट को मारने का। अरे यार मेरे को नीचे वाली साइड जाना था, अरे मेरे को नीचे जाना है। नाइस, मैंने 100 ईयर्स का कोर्स करा है, मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे गाड़ी चलानी आती है। मैं देख रहे हैं गाइस अब किस तरीके से कितनी आसानी से हम यहाँ पे पहुँच गए। एंड भी दरवाजा खोलोगे? नहीं मत खोल भाई, गालियाँ क्यों दे रहा है, मैं आई एम कोऑपरेटिंग यार। ये वाला खोल देगा? आई जस्ट केम इन, सॉरी। वो नहीं खोला लेकिन ये आगे वाला दरवाजा खोल दिया। ओके एनीवेज भाई 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 वो अरे शिट 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 वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा। एज यू कैन सी गाइस प्रेसिडेंट का एरोप्लेन जो है वो ऑलरेडी लैंड हो चुका है, एंड हम चौराजा लेट हो गए। और अगर आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है तो यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, एंड एज सून एज ये लोग मेरे को देखेंगे यहाँ पे ये मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, तो मेरे को एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं इनकी नज़रों में आए बिना एक टॉप लोकेशन विंटेज पॉइंट जिसे कहते हैं हम GTA की टर्म्स में विंटेज पॉइंट पे चढ़ सकूं, एंड वहां से बिना किसी को दिखे प्रेसिडेंट को असैसिनेट कर सकूं। क्योंकि अगर मैं किसी को दिख गया तो पॉइंट ही खत्म हो गया ना, फिर तो मेरे को फोड़ देंगे ये सब लोग। ओके ये शायद जगह है यहाँ पे, इधर से हम जाते हैं। यार यहाँ पे दिक्कत सबसे ज़्यादा ये होने वाली है कि ये पुलिस ऑटोमेटिकली पीछे पड़ जाती है। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता चला मैं यहाँ पे हुई नहीं, मैं यहाँ पे हुई ही नहीं। ओ ये अच्छी जगह लग रही है, ये अच्छी जगह लग रही है, दिस कुड बी द लोकेशन। यहाँ पे देखो ये क्या घोड़ा भी बना हुआ है उड़ने वाला, पेगासस यूनिकॉर्न वट एवर दिस इज आई डोंट नो। ये लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ से लोग देख लेंगे मेरे को, थोड़ा सा और ऊपर जाने की जरूरत है मेरे को। ओ नाइस 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 नाइस, यहाँ पे सीढ़ियाँ मिल गई हैं हमें, और आई थिंक दिस कुड बी अ गुड लोकेशन, ये एक अच्छा विंटेज पॉइंट है, यहाँ से हम अच्छे से असैसिनेट कर सकते हैं। और एज यू कैन सी गाइस, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अपनी स्नाइपर सप्रेस्ड वाली। एज यू कैन सी यहाँ पे, अरे बाप रे, ओ माई गॉड, ये पहले काले कपड़ों वाले पुलिस वाले, फिर उसके बाद वो सीक्रेट सर्विसेज वाले, ये फिर पुलिस वाले, फिर ये वाइट कपड़े वाले, फिर वो FBI वाले, ये सीक्रेट सर्विस, नासा, ISRO, भाई पूरी दुनिया आ रखी है। और भी है क्या, मिलिट्री वाले भी आ रखे हैं क्या? ऑब्वियसली आ रखे होंगे, वो भाई साहब मिलिट्री वाले टैंक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 करोड़, 1000 1 अरब। कितने हैं भाई? गिनती नहीं है। अब ऐसा है, इन सबसे तो मैं लड़ नहीं सकता, ठीक है, अपने प्रेसिडेंट अपना टारगेट हो रहा हो रहा हो रहा। ओके गाइस, प्रेसिडेंट हमारा टारगेट हमारी आंखों के सामने है, एंड उसकी बीवी भी है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि एक ही बुलेट से दोनों मार दिए जाए, प्रेसिडेंट भी और उसकी बीवी भी। इवन दो हमें कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ प्रेसिडेंट को मारने को बोला गया है, बट मैं उसको एक पे एक फ्री ऑफर देने वाला हूँ, बीवी भी मार दूंगा, बिकॉज प्रेसिडेंट की बीवी बहुत इरिटेटिंग है, मुझे पता है। तो गाइज अभी वीडियो को लाइक करो ताकि प्रेसिडेंट को मारने की मुझे शक्ति मिल सके। शक्ति, और हमारा जो है ये बुलेट जो है एकदम हेडशॉट लगे। यार अंधेरा हो रहा है यार, वी जस्ट नीड टू किल द प्रेसिडेंट ऑलरेडी एंड गेट आउट ऑफ हियर, बट मुझे ऐसा लग रहा है सब देख लेंगे, तो थोड़ा सा नीचे आना चाहिए मेरे को स्नीकी मोड में। एंड नाउ वी आर रेडी टू किल द प्रेसिडेंट इन 3, 2, 1, मिस नहीं होना चाहिए बस। जय पबजी, प्रेसिडेंट डेड, और ये प्रेसिडेंट की बीवी ऑल्सो डेड। मैं जितने लोग मार सकता हूँ यहाँ से मार रहा हूँ ताकि, ओके गाइस अब मुझे लगता है अपने को भागने की ज़रूरत है, लेकिन अपने को भागने के लिए मेरी गाड़ी कहाँ थी, मैं तो ये भूल गया हूँ भाई, 3 स्टार की पुलिस पीछे पड़ी है। नॉट टू मच, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्रेसिडेंट को, अरे माइकल भैया कहाँ करत हो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रेसिडेंट को मारा है तो एटलीस्ट 5-6 स्टार की पुलिस पीछे पड़ेगी।
अरे गाड़ी मेरी उधर खड़ी है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है जब तक मैं गाड़ी तक पहुंचूंगा मेरे को पुलिस वाले पकड़ लेंगे। नहीं 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 प्लीज 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 गाड़ी में बैठ माइकल, माइकल 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 तू मर नहीं सकता, तू अमर है, तू ओपी है माइकल, तेरे जैसा कोई नहीं है माइकल, तू दुनिया का सबसे बढ़िया एजेंट है माइकल, एजेंट एजेंट एम, 3 स्टार की पुलिस हमारे पीछे, हेलीकॉप्टर हमारे पीछे और भाई निकलने का रास्ता। ओ नो 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 गाइस ये अब ज्यादा टफ होने वाला है, प्रेसिडेंट को मारना तो दरवाजा खोल दे मेरे लिए, थैंक्स यार यार। ओ शिट, अगर मैं ये गाइस एस्केप कर गया तो ही फायदा है, वरना पॉइंट नहीं है ना, वो मर के तो जिंदा हम वैसे ही उठाते हैं हम GTA में। ओके दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोल दिया, अरे बड़े अच्छे लोग हैं यार, मैंने बोला दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल दिया। ओके वेरी नाइस, आओ आओ पीछे आओ, अरे 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 पुलिस वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, अरे आई जस्ट किल्ड द प्रेसिडेंट सो डोंट माइंड मी। ओपी ओपी वाओ आई एम सो गुड एट दिस, और आई थिंक मैंने यहाँ पे 100 IQ वाला प्ले कर दिया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर इसके नीचे तो मेरे को नहीं ढूंढ सकता। ओपी प्ले ओपी प्ले ओपी प्ले माय गॉड, आई थिंक एजेंट माइकल हैज डन इट, मैं यहीं पे खड़ा हूँ एंड इसी होप में कि मेरे को ढूंढ नहीं पाएंगे ये, यहाँ पे छुप जाता हूँ मस्त एकदम। I think Agent M has done it. Agent M has successfully killed the president and escaped the police as well. Oh God! Please, 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 please! नहीं, 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 नहीं दिखा, मैं नहीं दिखा, मैं छुपा हुआ हूँ, तुम्हें नहीं दिख सकता मैं, पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे ढूंढ लो तुम मुझे, ना ना ना, अरे वो बस Holy shit! वो बंदा पुलिस वाला साइड में आके रुका है, अब भी रुका है, ये देखो। We've done it, man. We have done it. We have successfully killed the president of America. Donald Trump or unki Mrs. Trump are done. Agent M has done it. World's number one top secret underwear agent, जो आज तक सिर्फ चड्डियां चुराता था, उसने आज अमेरिका के प्रेसिडेंट को मार डाला है। जी हाँ गाइज, आई हैव डन इट। तो गाइज अगर आप लोगों को ये प्रेसिडेंट असैसिनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। आवे गंजे, तुम एक बंदे को ढूंढ रहे थे क्या जिसने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को मारा है? है ऐसा तो नहीं, नहीं वो मेरे जैसा तो नहीं दिखता था। तुम कहीं मुझे तो नहीं ढूंढ रहे थे? मैं वही हूँ जिसने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अरे 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 बुरा मान गया भैया, बुरा मान गया, जाइए जाइए। वो देख अपने साथी को छोड़ के चला गया, आजा तेरे को मैं लिफ्ट दे दूं। सुन बकवास ना कर, मार तेरे को मैं सकता हूँ पर फिर पुलिस पीछे पड़ जाएगी। अरे क्या, एनीवेज गाइस ये तो लगा रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, ठीक है? एंड अब हम GTA पे ऐसे ही बहुत ही ज्यादा ओपी ओपी वीडियोस बनाने वाले हैं, बहुत ही ओपी ओपी चीजें करने वाले हैं। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताना और क्या मस्त वीडियो देखना चाहते हो अगर आपके पास कोई आइडिया है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।